नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आपका वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा महाजी के डोज का रहेगा, जिसमें हम डेली के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। और ये इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल सब चीज के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार, एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा, फिर उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार भाई, नमस्कार, एक बार बताइएगा कि क्या आप तक वॉल्यूम वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच पा रही है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा, तब तक मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, तब तक आप सेशन को शेयर कीजिएगा। हेयर इज एडवोकेट कृष्ण मोहन मेंटर फॉर योर जीएस। ये आपका अनअकैडमी पर लक्ष्य बैच की आपकी आपकी शुरुआत हुई है। एनडीए फोर्स एक्स वाई और ग्रुप के लिए सारी की सारी क्लासेज आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं। डेली लाइव क्लास आपको मिलेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। और अगर आप किसी भी प्रकार से फ्री कंटेंट चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो इस कोड को यूज कीजिएगा KMSIR10 के कोड को यूज कीजिएगा। किस कोड को यूज करना मेरे भाई? KMSIR10 कोड, ये अपना ही कोड है, इस कोड को यूज कीजिएगा और 10% का डिस्काउंट लीजिएगा इंस्टेंट रूप से। ये बच्चा आपका सारा का सारा फी स्ट्रक्चर है, जो एक महीने से शुरू होकर आपका 2 साल तक का है। संदीप कौर जी भाई प्रणाम, बिल्कुल बिल्कुल, सब बच्चों का प्रणाम स्वीकार है, सब बच्चों की राम राम स्वीकार है। तो भाई आपका एक महीने से लेकर 2 साल तक का आपका ये कोर्स है, आप इसमें किसी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एनडीए स्कॉलरशिप है, सीडीए स्कॉलरशिप है। चलिएगा इंट्रोडक्शन के ऊपर, आज का हमारा क्या है, ये महाजीके डोज है भाई। इस क्लास का नाम क्या है? महाजीके डोज, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चनों को कवर अप करते हैं। और काफी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जो बच्चा पहली बार जुड़ा वो पिछली क्लासेज को जरूर कर ले भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। चल झूठा जी, बिल्कुल राम राम जी, बिल्कुल हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। चलो अब पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने, धमेक स्तूप, वेयर इज द धमेक स्तूप लोकेटेड। भाई जो आपका धमेक स्तूप है, ये आपका किस जगह पर सिचुएटेड है? धमेक स्तूप आपका कहां पर सिचुएटेड है, ये आपने बताना है भाई। धमेक स्तूप आपका कहां पर सिचुएटेड है, ये आपने बताना है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, धमेक जो आपका स्तूप है, ये आपका है बच्चा सारनाथ में। कहां पर है? बी आपका राइट आंसर होगा, सारनाथ में ये आपका सिचुएटेड है। चीनी का अणुसूत्र क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूल ऑफ शुगर? चीनी का अणुसूत्र क्या होता है भाई? चीनी के अणुसूत्र को आपने बताना है C12H22O11। ये आपका चीनी का अणुसूत्र है भाई, C12H22O11। ये आपका चीनी का रासायनिक फॉर्मूला है। बेसिलिका ऑफ जीजस भाई, बेसिलिका ऑफ जीजस कहां पर सिचुएटेड है? पूजा दहिया जी, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, जल्दी से बताओ बच्चा, बेसिलिका ऑफ जीजस कहां पर सिचुएटेड है? बेसिलिका ऑफ जीजस भाई आपका ये है गोवा में। कहां पर है? गोवा में सिचुएटेड है। बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था भाई? वो कौन सा उपग्रह था जहां से हमारे को बृहस्पति ग्रह के बारे में पता लग गया था, जल्दी से बताइएगा भाई। बृहस्पति ग्रह के बारे में भाई आपका अध्ययन करने वाला, उसका नाम बताना है आपने, जल्दी से बताइएगा। बृहस्पति का अध्ययन कराने वाले प्रथम उपग्रह का नाम आपने बताना है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो प्रथम उपग्रह था, उसके बारे में आपने बताना है। तो उस उपग्रह का नाम था वॉयेजर 1। क्या नाम था बच्चा? वॉयेजर 1 के नाम से उसको जाना जाता, वॉयेजर 1, उसका नाम था वॉयेजर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं
वो आपका किस राज्य में सिचुएटेड है? बच्चा भीम बेटका की गुफाएं किस राज्य में सिचुएटेड है? वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अभी जल्दी से। भीम बेटका की जो गुफाएं हैं वो आपका किस राज्य में है? तो भाई ये आपका है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है भाई, एमपी में। भीम बेटका की गुफाएं कहां पर है? एमपी में है भाई, एमपी में है। ये आपका राइट आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा, एमपी। पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी थी भाई? भाई हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने रखी थी? पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, पश्चिमी शिक्षा का जो नींव है उसकी शुरुआत या उसकी नींव भारत में किसके द्वारा रखी गई थी? क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने, जल्दी से बताइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने है भाई, पश्चिमी शिक्षा की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो भाई ये नींव आपकी रखी गई थी मैकाले के द्वारा, मैकाले के द्वारा। पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में मैकाले के द्वारा रखी गई थी। हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? भाई जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इसको कितने जोन में डिवाइड किया गया है? पृथ्वी को कितने जोन में डिवाइड किया गया है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने है। तो भाई पृथ्वी को जोन में डिवाइड किया 24 जोनों में भी। जैसे भारत में एक जोन है ना टाइम जोन, ऐसे ही आपका पृथ्वी के टोटल कितने टाइम जोन है ये आपसे पूछ रहा है। तो टोटल आपके 22 जोन है भाई। पेपर कागज की खोज कहां हुई थी आपको बताना है। जो हमारा पेपर जो कागज होता है, तो कागज की खोज हमारी कहां हुई थी? क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने है। पेपर कागज की खोज कहां हुई थी? भाई पेपर कागज की जो खोज हुई थी सबसे पहले वो चीन में हुई थी। कहां पर हुई थी? चीन में। तो ए आपका राइट आंसर होगा, चाइना में ये पेपर कागज की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे किस डे को मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे भाई जल्दी से बताइएगा, देखिएगा उसी दिन अपना भी जन्मदिन उसी दिन होता है, और गुड गवर्नेंस डे वाले दिन हम पैदा हुए थे। गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे भाई। भाई इसी दिन कई महान विभूतियों का जन्म है। एक आपका अटल बिहारी वाजपेयी का है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्म इसी दिन है। मदन मोहन मालविया का भी जन्म इसी दिन है, मदन मोहन मालविया, मदन मोहन मालविया का भी जन्मदिन इसी दिन है। तो ये आपका मनाया जाता 25 दिसंबर को। क्रिसमस डे भी इसी दिन होता है, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे आपका होता है। सोना धातु का लेटिन नाम क्या है? सोना धातु का लेटिन नाम क्या है भाई जल्दी से बताइएगा? सोना धातु का लेटिन नाम, व्हाट इज द लेटिन नेम ऑफ गोल्ड मेटल? व्हाट इज द लेटिन नेम ऑफ गोल्ड मेटल भाई? सोना धातु का लेटिन नाम क्या है? तो सोना धातु का जो लेटिन नाम है वो है ओरम। क्या नाम है? ओरम इसका नाम है भाई। तो बी आपका राइट आंसर है, बी। विश्व विरासत स्थल भाई, विश्व विरासत स्थल है रानी का वाव भाई, विश्व विरासत स्थल है जिसका नाम क्या है? रानी का वाव। तो ये आपकी किस राज्य में सिचुएटेड है? रानी की वाव आपकी किस राज्य में सिचुएटेड है भाई? विश्व विरासत स्थल रानी की वाव आपकी किस राज्य में सिचुएटेड है? क्वेश्चन नंबर 11 भाई, भाई 100 रुपए के नोट के ऊपर भी इसका वो है ना फोटो लगा हुआ है। तो ये है भाई आपका गुजरात में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है भाई। यूरेनस ग्रह का पता किसके द्वारा लगाया गया था? जो आपका यूरेनस जो ग्रह है, हु डिस्कवर्ड द प्लेनेट यूरेनस? यूरेनस ग्रह क्या पता किसके द्वारा लगाया गया था ये आपने बताना है। यूरेनस ग्रह का पता किसके द्वारा लगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, विलियम हर्सल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है भाई जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर है विलियम हर्सल के द्वारा, विलियम हर्सल के द्वारा यूरेनस ग्रह का पता लगाया गया था। चेक भुनाने का अधिकतम समय सीमा कितना निर्धारित होता है? चेक भुनाने का अधिकतम समय सीमा कितना निर्धारित होता है भाई? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कैश इनकैशमेंट?
चेक भुनाने का अधिकतम समय आपका 3 महीने का होता बच्चा। कितने महीने का? 3 महीने का आपका मैक्सिमम समय होता है, 3 महीने का। तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यह आपने बताना है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपने बताना है भाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे भाई? इसरो के प्रथम अध्यक्ष का नाम, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है भाई। तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी ना इसरो की। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है भाई? आपने बताना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्टैब्लिश है भाई। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इंस्टॉल्ड? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपकी कहां पर सिचुएटेड है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है भाई। ये आपका है न्यूयॉर्क में। कहां पर है बच्चा? न्यूयॉर्क में। ए आपने सही आंसर दिया है। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? व्हाट इज अलीगढ़ फेमस फॉर? अलीगढ़ किस चीज के लिए फेमस है भाई? तो अलीगढ़ जो फेमस है वो है ताला उद्योग के लिए। किसके लिए फेमस है? लोक इंडस्ट्री के लिए अलीगढ़ आपका फेमस है। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे किस डेट को मनाया जाता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी डे किस डेट को मनाया जाता है भाई? कंप्यूटर सिक्योरिटी डे आपका किस डेट को मनाया जाएगा जल्दी से बताइएगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे आपका किस डेट को मनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। तो भाई कंप्यूटर जो सिक्योरिटी डे है ये आपका 30 नवंबर को मनाया जाता है। 30 नवंबर को बच्चा, ना कि 30 दिसंबर को। बी आपका राइट आंसर होगा। पहला अंतरराष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया था? फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वाज प्लेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वाज प्लेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। तो भाई ये जो मैच खेला गया था ये खेला गया था यूएसए और कनाडा के बीच में भाई। यूएसए और कनाडा के बीच में ये आपका मैच खेला गया था। तो डी आपका राइट आंसर होगा। तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है? तारा, व्हाट कलर डज द स्टार अपियर इन फर्स्ट फेज? तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है? तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देगा? तो तारा भाई आपका प्रथम अवस्था में लाल रंग का दिखाई देता, रेड रेड कलर। किस कलर का? रेड कलर का दिखाई देता है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है भाई? स्टील सिटी राउरकेला जल्दी से बताइएगा। जो आपका स्टील सिटी जो राउरकेला है वो आपका किस नदी के किनारे है? वो है ब्राह्मणी नदी के किनारे। और किस राज्य में ये बहती है? उड़ीसा राज्य में भाई। राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? उड़ीसा। तो सी आपका राइट आंसर होगा, उड़ीसा भाई। विश्वत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? विश्वत पर एक दिन की अवधि कितने घंटों के बराबर होती है भाई? विश्वत पर एक दिन की जो अवधि है वो कितने घंटे के बराबर होगी? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भाई। एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होगी? तो एक दिन की जो अवधि है वहां पर 12 घंटे के बराबर होती है। एक दिन 12, 12 hours का मान काउंट होता है। ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? जो आपके प्लेनेट्स होते हैं उनके वो किस टाइप के होते हैं, किस शेप के होते हैं? प्लेनेट आपके किस टाइप के होते हैं? प्लेनेट जो ग्रह जो आपके होते हैं ना, ग्रह आपके किस टाइप के होते हैं? तो घूमते हुए जो ग्रह हैं सर्पिलाकार कहां होते हैं? ग्रह ऐसे तोड़ मरोड़ के कहां होते हैं भाई? अंडाकार। बहुत बढ़िया लाडला जी, बहुत बढ़िया लाडला जाट। वृत्त अंडाकार होते हैं भाई, अंडाकार होंगे। पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था?
पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पहला एंग्लो सिख युद्ध आपका किस वर्ष में हुआ था? तो पहला एंग्लो जो सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था 1845 में भाई, 1845 में ये आपका हुआ था। तो डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। पांच लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? पांच लाइन की कविता को क्या कहा जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 24, पांच लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, तो पांच लाइन की कविता को लिमरिक कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा भाई, सी आपका राइट आंसर होगा, लिमरिक बोला जाता है पांच लाइन की कविताओं को, लिमरिक के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रारूप किसने तैयार किया था? हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग? भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था भाई? ये आपका तैयार किया गया था पिंगली वेंक्या के द्वारा, पिंगली वेंक्या के द्वारा 22 जुलाई 1947 को हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था भाई। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा भाई। विश्व यक्ष्मा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? विश्व यक्ष्मा दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? कब आपका विश्व यक्ष्मा दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाएगा? विश्व यक्ष्मा दिवस तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को बच्चा, कब? 24 मार्च को ये आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर होगा। शिमला समझौता कितनी बार आया है, ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ था, किस वर्ष में आपका शिमला समझौता हुआ था, ये आपने बताना है भाई। शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ था? बहुत बढ़िया, शाबाश। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। कब? 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ था। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? ओरियन कॉन्स्टेलेशन का भारतीय नाम क्या है भाई? ओरियन नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। तो भाई इसको भारतीय जो इसका नाम है वो है मृगशिरा। क्या नाम है? कमेंट में सब बच्चे लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए, मृगशिरा इसका नाम है भाई। ओरियन नक्षत्र का नाम है ये मृगशिरा। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ग्राउंड सरफेस ऑफ अर्थ नोन? पृथ्वी के भूपृष्ठ को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के भूपृष्ठ को किस नाम से जाना जाएगा भाई? भूपृष्ठ स्तर को किस नाम से जाना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है भाई। तो भाई इसको जाना जाता सियाल के नाम से भी। भूपृष्ठ को किसने नाम से? सियाल, जो कि सिलिकॉन प्लस में एल्यूमिनियम से बना होता है। ये किससे बना होता है? सिलिकॉन प्लस में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस में एल्यूमिनियम इससे बना होगा। डी आप राइट आंसर होगा। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर है भाई? नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में है भाई। वाशिंगटन डीसी में आपका ये मुख्यालय नेशनल स्पेस सोसाइटी का। कैंटन टावर कहां पर सिचुएटेड है? वेयर इज द कैंटन टावर लोकेटेड? वेयर इज द कैंटन टावर लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 31। तो कैंटन जो टावर है, तो कैंटन जो टावर जो आपका सिचुएटेड है ये आपका कहां पर है भाई? कैंटन टावर जो आपका सिचुएटेड है ये है आपका कहां पर? चीन में है भाई। सी आपका राइट आंसर होगा। चाइना में ये आपका सिचुएटेड है कैंटन टावर, चाइना में, चीन में ये आपका सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 32, भूटान देश की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ कंट्री ऑफ भूटान?
भूटान देश की मुद्रा का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। तो भूटान देश की जो मुद्रा का नाम है जल्दी से बताइएगा बच्चा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। राव संजय कुमार जी, संदीप कौर, डोरेमोन आर चौधरी, मुकेश कुमार जी भी हैं, पूजा ढांडा जी भी हैं, बहुत अच्छा भाई। तो भाई ये है आपका न्यूगुल्ट्रम, नाम भी पता नहीं अजीब सा है, न्यूगुल्ट्रम, न्यूगुल्ट्रम। श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो इसका पड़ोसी देश कब आजाद हुआ था? समुद्रीय पड़ोसी देश इसका कब आजाद हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 भाई। तो इसका जो पड़ोसी देश है ये आजाद हुआ था 1948 में भाई, 1948 में आजाद हुआ था। बी आपका राइट आंसर होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी आपने बताना, जल्दी से बताओ भाई। आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में भाई, 1942 में ये आपकी हुई थी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या है ये आपने बताना है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस था भाई। बी आपका राइट आंसर रहेगा, जानकीनाथ बोस। ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? ग्रेनाइट इज फाउंड इन विच रॉक? ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है जल्दी से बताइएगा भाई। ग्रेनाइट आपका किस सेल में पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। ग्रेनाइट जो चट्टाने होते हैं वो अग्नेय चट्टाने होते हैं भाई। ग्रेनाइट कैसी, किस प्रकार की चट्टाने हैं? अग्नेय चट्टाने, जो कि प्रारंभिक चट्टाने जिसको हम बोलते हैं अग्नेय में। अब शादी कौन बोल रहा है, रजत चौहान जी अग्नेय आएगा। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है भाई? पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के मामले में कौन सा जो राज्य है वो जो टॉप नंबर पर है? हु इज द लीडिंग स्टेट इन पावर जनरेशन फ्रॉम विंड एनर्जी? क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। तो भाई राइट आंसर आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु नंबर वन पर है भाई, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 38, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है जिससे आप बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं? क्वेश्चन नंबर 38, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो विकिपीडिया के संस्थापक है जिमी वेल्स भाई। क्या नाम है? जिमी वेल्स विकिपीडिया के संस्थापक है। महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ क्या हो जाता है भाई? महासागरों में जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी या घट जाएगी? पानी के अंदर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ठंडा ठंडा महसूस होता ना। तालाब में भी आपने देखा होगा, ऊपर का पानी आपका गर्म होता है, नीचे का ठंडा होता है। जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे तो पानी आपका ठंडा होता चला जाएगा, तापमान घटता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है जल्दी से बताइएगा भाई। मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। तो मौसम का जो अध्ययन है वो किया जाएगा मीटरियोलॉजी के अंतर्गत भाई। ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, मीटरियोलॉजी के अंतर्गत मौसम का, मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आपका मौसम का अध्ययन किया जाएगा। अच्छा एक बार जल्दी से ये बता दो, 40 क्वेश्चन और करवा दूं क्या? पढ़ाने का मन है मेरा तो आप बताइएगा जल्दी से, अगर आप कहोगे तो और करवा दूंगा, 40 क्वेश्चन और करवा दूंगा, जल्दी से बता दो एक बार। जल्दी बताओ सब बच्चे, चलो भाई, चलो भी आप लोगों का भी मन है तो चलवा करवा देते हैं। चलिएगा नेक्स्ट भाई। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं?
हाउ मैनी मतलब कि कितने चैम्बर्स होते हैं मनुष्य के हार्ट में, मनुष्य के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं जल्दी से बताइएगा भाई, मनुष्य के हार्ट में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो चार होते हैं भाई, डी आपका राइट आंसर होगा, चार होंगे भाई चार। काकरोच के हरी में कितने कक्ष होंगे भाई, नंबर सेकंड पे काकरोच के हृदय में कितने होंगे, काकरोच के हृदय कितने कक्ष होते हैं, तो काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, 13 भाई। एशिया का दिल किसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है जल्दी से बताइएगा भाई, हार्ट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है जल्दी से बता दीजिएगा, हार्ट ऑफ एशिया क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल को कहा जाता है, सी आपका राइट आंसर होगा, इस्तांबुल, इस्तांबुल को हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है भाई, हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाएगा, बाय होम इज हार्ट डिजीज रिकॉग्नाइज, हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है। तो हृदय की जो बीमारी होते है उसके लिए हम ईसीजी करवाते हैं, आप लोगों ने भी करवाया होगा। बालू पर उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, जो बालू रेत होता है तो उसके ऊपर जो उगने वाले, एक बार लाइक कर दो वीडियो को, जो बच्चे देख रहे हैं कम से कम आप तो लाइक कर ही सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी तो कौन आएगा करने। बालू पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, बालू पर उगने वाले पौधे, तो भाई बालू पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम सेमोफाइट कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं, सेमोफाइट, सी आपका राइट आंसर होगा। काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था, काकोरी जो आपका कांड है वो आपका किस वर्ष हुआ था, क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने है, काकोरी कांड आपका किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1925 में भाई, काकोरी कांड आपका 1925 में हुआ था, 1925 में भाई, 1925 में। मेंढक में कितने गुण सूत्र मौजूद होते हैं भाई, हाउ मैनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द फ्रॉग, मेंढक के अंदर कितने गुण सूत्र होंगे, क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने है, मेंढक में कितने गुण सूत्र मौजूद होते हैं भाई, मेंढक में कितने गुण सूत्र मौजूद होते हैं, तो मेंढक में आपके 26 गुण सूत्र मौजूद होंगे भाई, कितने 26। उजला सोना किसे कहा जाता है, उजला सोना के नाम से किसे जाना जाएगा, उजला सोना भाई, उजला सोना कहा जाता है कपास को, कपास को कहा जाता है उजला सोना भाई। भारत में बर्मा, भारत से जो बर्मा है, म्यांमार जो वर्तमान में है, ये भारत से कब आपका अलग हुआ था, बर्मा भारत से कब आपका अलग हुआ था, उस समय पर अलग हुआ था जब भारत में क्या हुआ था, वृद्धा योजना भी लागू हुई थी, तो 1937 में भाई, 1937 में भारत से बर्मा आपका अलग हो गया था। गोल्डन पैगोडा मंदिर कहां पर स्थित है, गोल्डन पैगोडा मंदिर आपके कहां पर सिचुएटेड है भाई, तो गोल्डन पैगोडा जो आपके मंदिर है वो आपके म्यांमार में है भाई, बी आपका राइट आंसर होगा, गोल्डन पैगोडा मंदिर आपके कहां पर सिचुएटेड है, ये आपके म्यांमार में सिचुएटेड है भाई। समुद्री घास में क्या पाया जाता है जल्दी से बताइएगा, समुद्री घास में क्या पाया जाता है, व्हाट इज फाउंड इन सी ग्रास, व्हाट इज फाउंड इन सी ग्रास भाई, समुद्री घास में क्या पाया जाएगा, तो भाई समुद्री घास में आपको आयोडीन मिलेगा भाई, क्या मिलता है, आयोडीन। मानचित्र के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, तो मानचित्र का जो अध्ययन है वो आपका कार्टोग्राफी कहलाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, कार्टोग्राफी। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13।
तो मेंढक के हृदय में तीन प्रकोष्ठ होते हैं, टोटल कितने चैंबर होते हैं, तीन चैंबर होते हैं भाई। लाइजोजोम में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो आपका लाइजोजोम्स होता है तो उसमें कितने प्रकार के एंजाइम्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो लाइजोजोम्स में भाई 24 प्रकार के एंजाइम्स आपके मिलते हैं, कितने प्रकार के, 24 प्रकार के एंजाइम्स आपको मिलेंगे। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो भाई न्यूटन के सेकंड नियम से, द्वितीय जो आपका नियम होता है उससे, न्यूटन के लॉ से एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स डिराइव होता है। ब्रह्मांड की उम्र कितने वर्ष है भाई, जो आपका ब्रह्मांड है इसका टोटल एज कितने वर्ष का है। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, वेल डन भाई। ब्रह्मांड का एज कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 आपने बताना है, ब्रह्मांड का एज। तो ब्रह्मांड का जो एज है वो है 13.8 बिलियन वर्ष भाई, 13.8 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 भाई, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी। तो प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी 1930 में भाई, 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, ये आपने बताना है भाई, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। तो अंकुरित अनाज में विटामिन सी मिलेगा, कौन सा विटामिन मिलता है, अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है भाई। मोनोकल्चर का संबंध किससे है, मोनोकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग भाई, मोनोकल्चर का संबंध किससे है, जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। तो मोनोकल्चर का जो संबंध है वो है अन्न उत्पादन से भाई, किससे है, अन्न उत्पादन से है। मोनोकल्चर का संबंध किससे है, अन्न उत्पादन से है, अन्न उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 20, पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर सिचुएटेड है भाई, वेयर इज पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भाई, भाई पशुपतिनाथ आपका काठमांडू में सिचुएटेड है, सी आपका राइट आंसर होगा, काठमांडू। मनुस्मृति भाषा में लिखा गया है भाई, जो आप मनुस्मृति है वो आपका किस भाषा में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भाई, मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है। तो मनुस्मृति है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया भाई, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में मनुस्मृति आपका लिखा गया है। सीटी स्कैन में सीटी का मतलब क्या होता है, जो आपका सीटी स्कैन होता है तो उसके अंदर सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सीटी, तो कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, बी आपका राइट आंसर होगा, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होता भी इसका राइट आंसर। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड भाई पेट्रोलियम को कहा जाता बच्चा, पेट्रोलियम को, सी आपका राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम को ब्लैक सोने के नाम से जाना जाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, व्हाट इज फ्लाई लार्वा कॉल्ड, मक्खी का लार्वा क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। तो मक्खी का जो लार्वा है इसको मैगोट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, मैगोट के नाम से इसको हम जानते भी, मैगोट। सबसे छोटा स्तनी कौन है भाई, हु इज द यंगेस्ट ब्रेस्ट, ब्रेस्ट सबसे छोटा स्तनी वाला आपका प्राणी कौन सा है, सबसे छोटा स्तनी वाला जो प्राणी है वो छुछुंदर, छुछुंदर है भाई सबसे छोटा प्राणी वाला। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था,
तो भैया क्या गया था, चार्ल्स विलिकेंस के द्वारा। बी आपका राइट आंसर होगा, चार्ल्स विलिकेंस। स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है भाई, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉल यूज इन स्नूकर, जो स्नूकर जो आपका गेम होता है तो उसमें टोटल कितनी बॉल यूज होती हैं, टोटल कितनी गेंद यूज होती हैं भाई स्नूकर में। तो भाई उसमें टोटल आपकी 22 गेंदें यूज होती है। बी सी आपका राइट आंसर होगा, 22 उसमें यूज की जाती हैं। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, वो कौन मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 28 भाई, तो आत्मकथा तो बाबर ने भी खुद लिखी थी और जहांगीर ने भी खुद ही लिखी थी, तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहां पर स्थित है भाई, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहां पर लोकेटेड है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन आपका कहां पर लोकेटेड है, तो ये है आपका श्रीनगर में भाई, बी आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपने बताना है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्री सेलम भाई। नागार्जुन सागर बांध भी है ना कृष्णा नदी के ऊपर। विश्व कैंसर दिवस किस डेट को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस आपका किस डेट को मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा भाई। विश्व कैंसर दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये आपका मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। कब बच्चा, 4 फरवरी को। नेत्र रोग का जो डॉक्टर है वो क्या कहलाता है, व्हाट इज द डॉक्टर ऑफ आई डिजीज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। तो भी नेत्र रोग का जो डॉक्टर है उसको हम ओकुलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओकुलिस्ट। जो आंखों की बीमारी का जो डॉक्टर होता है उसको हम ओकुलिस्ट के नाम से जानते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, अभी ये क्वेश्चन पिछली स्लाइड में भी हमने डिस्कशन किया था, पिछली स्लाइड में वो द्वितीय नियम से रिलेटेड था, लेकिन ये बल की फोर्स की परिभाषा कह रहा है। तो प्रथम नियम से कोई चीज स्थिर है अगर आप उसको फोर्स लगाओगे तो ही वो मोमेंट में आएगी, तो फोर्स की परिभाषा यहां से मिलती है। शब्द कोश संकलन लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है, जो डिक्शनरी जो वोकैबुलरी जो लिखी जाती है तो उसकी कला को क्या बोला जाता है, उसकी कला को किस नाम से जानते हैं भाई, उसकी कला को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी, क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। जायद फसल का उदाहरण कौन सा है, जायद भाई खरबूज तरबूज ककड़ी ये तीनों ही जायद फसल है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं भाई, तो मछली के जो हृदय है, मछली का जो हार्ट होता है, मछली का जो हार्ट होता है उसमें टोटल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, बी आपका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है, माइंड में अगर कोई भी समस्या है तो हम क्या करवाते हैं भाई, माइंड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करवाते हैं, तो माइंड के लिए भी हम ईसीजी करवाते हैं भाई, पूरी बॉडी के लिए एमएमआर होता है तो माइंड के लिए भी आपका ईसीजी आर ही होता है। 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, क्वेश्चन नंबर 38। 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तो भाई ये मिलेगा 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन थी भैया आपने बताना है। तो पहली चीनी महिला का नाम है लियू यंग, क्या नाम है, लियू यंग नाम है भाई, बी आपका राइट आंसर है। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका रक्तचाप ब्लड प्रेशर, व्हेन ए पर्सन इज स्लीपिंग, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है घट जाता है, तो सोने की अवस्था में जो बीपी है वो आपका डाउन हो जाता है घट जाता है भाई।
तो चलिएगा बच्चा, आज के लिए आपका इतना ही है, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो बच्चा पहली बार जुड़ा है भाई। राव संजय कुमार जी, क्लास अब खत्म हो गई, अब आराम से चाय पियेंगे, आप भी आराम से पीजिएगा। तो आज के लिए बच्चा इतना ही है, पढ़ते रहिएगा और आगे तरफ बढ़ते रहिएगा, कल 12 बजे फिर मॉर्निंग में मिलेंगे आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चनों के साथ। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।